कबीर भांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे। कबीर जी कथन करते हैं, भाव गुरु ग्रंथ साहब कथन करते हैं, जो जो जेड़े जेड़े प्राणी प्राणाधारी पुरश भांग भंग सुरा शराब नू पान पींदे हन ते माछली खाहे मच्छी दे मास आदि नू खांदे ने। जो जो प्राणधारी पुरश मच्छी दे भांग मास नू खांदे ने, कुकड़ दे मास नू भांग भी कहंदे आ। इसलिए जो पुरश कुकड़ ते मच्छी आदिकां दे मास नू खांदे शराब पींदे आ अते सुरा पान शराब नू कहंदे पान पाना सुपारियां आदिक नू खांदे ने। ये जिहड़े मरहट्टीए ने महाराष्ट्र निवासी लोग तंबाकू दे सुके पत्ते नू भांग कहंदे ने, जो हाथ की तली ते तंबाकू दे सुके पत्ते नू मल के मूँह च पाउंदे ने जरदा खांदे ने। जिवें सन्यासी लोग तंबाकू दे सुके पत्ते नू हाथ की तली ते मल के मूँह च पा के खांदे रहिंदे आ। इत्यादिक तमाम नशियां वालियां चीज़ां नू जो खाण पीण वाले मनुख हन उन्हां दे तीर्थ वरत नेम किए ते सब है रसातल जाहे। तीर्थां ते इशनान किते होए एकादशी जन्माष्टमी वरत रखे नेम किते होए सारे ही एवें निष्फल चले जाने, रसातल भाव निष्फल। जिस तरह कलर वाली जमीन विच बीज पाया होया रसातल निष्फल चलिया जाता है, इस तरह उन्होंने किए हुए साधन सारे निष्फल चले जाते हैं। परमात्मा के भजन सिमरन च भांग विघन पाने वाली जो माछली छल रूप माया है, जिन्हें सुरापान देवत्या ते दैंतां नूं पान पाव दबाउणा कीता है, उस माया की इच्छा नूं जिहड़े प्राणी खाहे धारदे हन, उन्हां पुरशां दे तीर्थ वरत ने मादक किए हुए साधन सब है सारे दे सारे रसातल निष्फल चले जाते हैं। माछली तो भाव छल रूप जो माया है, सुरापान भांग जो देवत्या दे हथों भी भज गई है, जो जो प्राणी खाहे जिहड़े जिहड़े पुरश कुसंग च बैठ के उस माया रचित पदार्थां नूं खांदे हन, उन्हां पुरशां दे तीर्थ वरत हठ योग जम निजम आदिक साधन किए हुए सारे निष्फल चले जाते हैं। सो इस प्रकार महाराज सच्चे पातशाह ने कबीर जी दे राही ये उपदेश किया है। बहुत सारे ये अंतरी भाव तो निकले आते पर मुख्य रूप दे विच इह जिहड़ा सीधा जिहा दस्सिया बचन भई आ जिहड़े कर्म ने माड़े आ ये करने नहीं है, क्योंकि चीज़ां जिहड़ी नुकसान दिंदियां शरीर नूं भांग दह तन एक दसवें पातशाह ने भी यह बचन किए ने। शरीर नूं भंग जिहड़ी आ ना खुश्क कर दिंदी नाश कर दिंदी हौली हौली, बंदा किसी काम का नहीं रहिंदा उहदे नाल। इस प्रकार बहुत सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने विवर्जित ने, पर हुण जिहदा मन बहुत हावी अपने ते अपने आप ते हट नहीं सकता, वह कहिंदे मैं गल्लां लिखियां होईयां जी, पर जिन्हें बंदगी करनी है सत बचन कह के इन्हां चीज़ां का त्याग करके बंदगी करदा है।